गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। एक खबर आ रही है बॉम्बे से, प्रोमिनेंट एक्टर दिलीप ताहिल के बेटे को अरेस्ट कर लिया है ध्रुव ताहिल। वजह है एक व्हाट्सएप चैट लीक हुआ जो कि पेडलर के साथ था। 6 बार अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए गए पेडलर के, जिसके चलते ये मामला और भी गर्मा गया। ड्रग्स की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है और आज खबर आ रही है कि कोर्ट में पेश किया जाएगा ध्रुव ताहिल को। दिलीप ताहिल एक बड़ा नाम, आप लोग देख रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में किस तरह से एनसीबी एक तरफ, पेडलर्स और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उनकी धरपकड़ कर रही है, लेकिन ये मामला एएनसी द्वारा किया गया। एंटी नारकोटिक सेल बांद्रा यूनिट ने ध्रुव ताहिल को अरेस्ट किया है। वजह है एक पेडलर जिसका नाम है मुजम्मिल अब्दुल रहमान शेख, जिसके व्हाट्सएप चैट के दौरान ये पाया गया कि ध्रुव ताहिल कंटिन्यूसली 2019 से लेकर आज तक टच में था, ड्रग्स की खरीद फरोख्त करता था और साइमल्टेनियसली 6 बार अकाउंट्स में पैसे भी ट्रांसफ़र किए गए। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद कई नाम ऐसे निकल कर आए, लेकिन उस पर एनसीबी कार्रवाई कर रही थी, लेकिन ये पहला मामला सामने दिख रहा है जहाँ पर एएनसी द्वारा एक अरेस्ट किया गया है और वो भी NDPS एक्ट के तहत। तो ये खबर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, पूरी खबर ये है कि दिलीप ताहिल के बेटे हैं ध्रुव ताहिल, ड्रग्स मामले में अरेस्ट किए गए, ड्रग्स खरीदने और पेडलर से मनी ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया। व्हाट्सएप चैट लीक हुई, मुजम्मिल अहमद रहमान शेख को अरेस्ट किया गया था 35 ग्राम मेफ्ड्रोन के साथ, लेकिन व्हाट्सएप चैट के अंदर ध्रुव ताहिल का नाम आया, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई हुई और आज खबर आ रही है कि ध्रुव ताहिल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक न्यूज़ एजेंसी ने दिलीप ताहिल से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई भी टिप्पणी देने से इनकार कर दिया है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वजह है दिलीप ताहिल के बेटे ध्रुव ताहिल का अरेस्ट होना, वो भी NDPS एक्ट के तहत, और वजह है ड्रग चैट। तो फिलहाल एक बड़ी खबर, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।